हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स एंड बिजनेस पार्टनर। तो चलो आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बार फिर एथिक्स का मीनिंग बता देती हूँ कि व्हाट इज़ एथिक्स। अब यहाँ पे एथिक्स मीन्स कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। एथिक्स को हम मॉरेलिटी और वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर एंड बिजनेस पार्टनर, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर एंड बिजनेस पार्टनर का मतलब क्या है कि एथिक्स और कॉम्पिटिटर से रिलेटेड कौन कौन सी एथिक्स हमें फॉलो करनी चाहिए और बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड हमें कौन कौन सी एथिक्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। जब हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डील करें तब कौन कौन सी चीज़ें हमें मतलब एक तरह से ध्यान रखनी चाहिए वो, और कॉम्पिटिटर के साथ जब हम डील करें तो कौन कौन सी एथिक्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहले ना हम कॉम्पिटिटर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम बिजनेस पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करूं तो आपको कॉम्पिटिटर का मीनिंग तो क्लियर है कि कॉम्पिटिटर क्या है, ठीक है। कॉम्पिटिटर मीन्स अगर दो कंपनीज हैं, ठीक है। अगर दो कंपनीज है, कोई भी हम कंपनी लगा देते हैं, जैसे कि पेप्सी, ठीक है, और कोका कोला, ठीक है। तो ये क्या हो गए? कॉम्पिटिटर हो गए, ठीक है। कोका कोला और पेप्सी कॉम्पिटिटर हो गए ना, तो ये क्या है? कॉम्पिटिटर है। अब एक दूसरे के साथ जब वो डील कर रहे हैं तो उनको कौन कौन से एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। देखो गाइज, ये आजकल का मतलब हमारा मेन टॉपिक यही चल रहा है कि एक दूसरे के प्रति क्या है कि फेयर कॉम्पिटिशन ही होता, एक दूसरे के साथ वो मतलब इन फेयर कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है कि हमें क्या करना चाहिए? फेयर कॉम्पिटिशन करना चाहिए, क्योंकि पेप्सी वाले अपने एफर्ट कर रहे हैं, कोका कोला वाले अपने एफर्ट कर रहे हैं, हर एक पर्सन के अपने अपने एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको कुछ गलत मतलब गलत दिखाने की कोशिश करें, इनको भी ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए कि वो इनको कुछ गलत दिखाने की कोशिश करें। इनको अपनी स्ट्रेटजी के साथ और इनको अपनी स्ट्रेटजी के साथ जो भी मतलब गेन करना है अपने अपनी स्ट्रेटजी के साथ वो गेन करें। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के मतलब को कुछ गलत दिखा के वो कुछ करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कॉम्पिटिटर के साथ डील कर रहे हैं, दैट मीन्स फेयर कॉम्पिटिशन हमारा होना चाहिए, हर एक पर्सन को अपने अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है कॉपरेशन। अब आप खुद देखो कि अगर वो कॉपरेशन के साथ डील करें दोनों, ठीक है, तो मेजर शेयर तो इनके पास ही है ना मार्केट का, तो वो कितना अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ है जो मार्केट में डील करना चाहिए, ये भी उनके एथिक्स में ही आ जाता है। नेक्स्ट है नो टिट फॉर टैट पॉलिसी। नो टिट फॉर टैट पॉलिसी का मतलब ये है कि सपोज करो कि एक कंपनी है, मैं किसी का नेम मेंशन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसा ही मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, एक कंपनी है और दो बी कंपनी, ठीक है। इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी के बारे में कई कुछ अपनी एड में मतलब अपनी एड के अंदर उसने क्या किया कि इस कंपनी के बी कंपनी के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। ए कंपनी ने बी कंपनी के बारे में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी एड में, ठीक है। तो अब क्या करें? अब आप सोचो कि अगर बी कंपनी एथिकल ग्राउंड पे चलती है तो बी कंपनी क्या करे? बी कंपनी भी ए वालों की एड दे दे? आप बोलोगे नहीं, बी कंपनी ए वालों की अगर ऐड दे देगी तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रह गया, ठीक है। तो ये कंपनी अगर एथिकली डील कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उसका जवाब वैसे नहीं देना है, ठीक है। ये हमारे रोज़ाना की लाइफ में भी हम फॉलो करते हैं, ऐसा चलता है लाइफ में कि अगर उसको जवाब देना है इस कंपनी ने तो वो उसको वैसे नहीं देगी। वो अगर उसने अपने एथिकल ग्राउंड्स पे चल के उसको जवाब देना है, लेकिन कैसे देना है? उसने अपनी एड में, ठीक है, कुछ अफेक्टिव दिखाना है, ठीक है, उसने अपने मतलब स्ट्रेटजी को इस तरह दिखाना है, उसने उस चीज़ को मॉडिफाई करके अपनी मीडिया के थ्रू अपनी एड में दिखा देना है कि भी हमारे प्रोडक्ट फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने अपनी एड में दिखाना है, ना कि उस कंपनी को कुछ गलत बोलना, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इससे बेनिफिट ये होंगे कि कस्टमर आपके सेटिस्फाइड होंगे कि भी इस कंपनी ने इसके बारे में तो कुछ गलत बोला नहीं है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे फैक्ट के फिगरों के बेसिस पे आप कस्टमर को दिखा दो कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमारा एथिक्स इसलिए आ जाता है कि हमने नो टिट फॉर टैट पॉलिसी को हमेशा अडॉप्ट करना है, हमें हमारे जो एथिक्स हैं उनको हमेशा साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर वो कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई भी कंपनी, जैसे एक सी कंपनी है, ठीक है, वो भी कुछ गलत दिखा रही, तो अगर ए कंपनी अपने एथिकल ग्राउंड पे चल रही है, ठीक है, तो उसे भी उसको अपनी स्ट्रेटजी के साथ आंसर देना है, ना कि उसको रॉन्ग दिखा के, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने एथिक्स को हमेशा अपने साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया नॉट इट फॉर टैट पॉलिसी। नेक्स्ट है डोंट बी जेलस। ये तो बहुत इजी पॉइंट है कि हमें एक दूसरे से जेलसी नहीं करनी है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उसके अकॉर्डिंग अपना विन पोजीशन को आप गेन कर सकते हो, विन कर सकते हो आप। नेक्स्ट है अवॉइड अनएथिकल
टेक ओवर टू अवॉइड कंपटीशन, ठीक है। हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है, अनएथिकल टेक ओवर्स, ठीक है, और अवॉइड कंपटीशन। आजकल देखो हमने क्या करना है, टू अवॉइड कंपटीशन। लाइक देखो आजकल क्या चल रहा है कि अगर मान लो कि फाइव कंपनीज हैं, ठीक है, फाइव कंपनीज हैं और सभी एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, ठीक है। तो एक बड़ी कंपनी आई, उन्होंने क्या किया, सबको टेक ओवर कर लिया, मतलब सबको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो ताकि कंपटीशन क्या हो जाए, कंपटीशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने कंपटीशन को कम करने के लिए इतना से जबरदस्ती टेक ओवर कर लिया ना, तो ये इस तरह की जो मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एथिकल ग्राउंड पे सही नहीं है। उनको अपना काम करना चाहिए, उसको अपना, और वो कॉम्पिटिशन इस तरह से नहीं करना चाहिए उसे कि वो उनको सबको टेक ओवर कर ले, सबको अपने अंडर ले लिया उसने कि ताकि कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को ना अवॉइड करने के लिए भी एक एक्ट भी बना है, आपको आई थिंक पता होगा, कॉम्पिटिशन एक्ट बना है 2002, ठीक है। कौन सा एक्ट बना है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बना है इसके लिए, इस तरह की जो टेक ओवर कर लेते हैं लोग एक दूसरे को, जबरदस्ती टेक ओवर कर लेते हैं कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज को, तो उसके लिए ये एक एक्ट भी बना है, आपको इसको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अनएथिकल है अगर हम इसे अनएथिकल वे से किसी को टेक ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है अदर, इसके अलावा काफ़ी अदर पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटर है उसके साथ फेयर डील करो, किसी के प्रोडक्ट को मतलब ऐसे गलत शो मत करो, ठीक है। अब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखा रहे हो, दैट इज़ गुड, बट आप किसी के होर के प्रोडक्ट को हमें क्या है, ऐसा नहीं शो करना है कि वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे कुछ पॉइंट है जो कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हमेशा हमें ध्यान में रखने चाहिए। क्या क्या हो गया कि फेयर कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन के साथ काम करना है जो भी करना है, नो टिट फॉर टैट पॉलिसी का मतलब है यहाँ पे अपने अपनी आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी, ना कि वैसे ही जैसा दूसरा पर्सन आपके साथ कर रहा है वैसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में फिर डिफरेंस तो कुछ नहीं रहा ना। तो आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है डोंट बी जेलस, ठीक है, और अवॉइड अनएथिकल टेक ओवर टू अवॉइड कंपिटिशन, ठीक है। कंपिटिशन को अवॉइड करने के लिए अनएथिकल टेक ओवर मत करो, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आप करने नहीं देते एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप उनको ऐड कर लेना, ठीक है। ये हो गए कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, हमने एक टॉपिक हमारा क्या था, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर एंड बिजनेस पार्टनर। हमने कॉम्पिटिटर का डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस पार्टनर का। तो चलो बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेटेड डील करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पार्टनर क्या है, बिजनेस पार्टनर क्या है कि हमारे अगर एक कंपनी है वो काफ़ी मतलब एक पर्सन दो पर्सन काफ़ी सारे मिलके पर्सन बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप तो आपको पता है ना, वैसे ही बिजनेस पार्टनर हो गया कि जो साथ हमारे पर्सन काम करें उसे बोलेंगे बिजनेस पार्टनर, ठीक है। तो उनका आपस में कैसा मतलब डीलिंग होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या एथिक्स हैं, ठीक है, कि ये पर्सन इसके साथ डील कर रहा है, ये इसके साथ डील कर रहा है, तो किस तरह के एथिक्स को उन्होंने फॉलो करना है, ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को उनको मतलब अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट है, इट इज़ वेरी इजी, लाइक हमें क्या करना चाहिए, कॉपरेशन के साथ डील करना चाहिए, ठीक है। आपस में सबका कॉपरेशन होगा तभी इफेक्टिवली जो है बिजनेस वो चल पाएगा। ऐसा नहीं है कि अब आप इस पर ये पर्सन उसके साथ अच्छी तरह मतलब डील ही नहीं कर रहा, ठीक है, कॉपरेशन ही नहीं कर रहा, तो वो चलेगी ना, बिजनेस तो नहीं चलेगा वो इस तरह का, ठीक है। तो कॉपरेशन सब में होनी चाहिए। नेक्स्ट है फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट, कॉपरेशन तो हो बट उसके साथ साथ क्या हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी हम पूरा करें। लीगल रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो जैसे पार्टनरशिप एक्ट है उसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है बताई हुई हैं कि मतलब इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है, लाइक इस तरह की जो होती है ना लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो उन तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी हमें पूरा करना है, लाइक पार्टनरशिप एक्ट में जो मेंशन है, इसके अलावा कई जो और एक्ट हैं तो उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक अ गुड फ्रेंड हेल्प द पार्टनर इन एमरजेंसी। अब मान लो तीन तीन पार्टनर है, इस पर्सन को अपने घर पर कुछ एमरजेंसी होगी, ठीक है, तो इन इन पार्टनर्स को ऐसा सोचना चाहिए कि इसकी हेल्प कर दी जाए, ठीक है, बिजनेस में से अगर कुछ मनी या कुछ एज अ फ्रेंड हम इसको दे सकते हैं तो उसको दे दी जाए, ठीक है। तो एज अ गुड फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ डील करना, इससे उनके रिलेशन भी इंप्रूव होंगे और बिजनेस में भी वो इफेक्टिवली डील कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव फीडबैक, ऐसा है कि ऐसा ना हो कि अगर आप तीन पर्सन हो, ठीक है, तो सिर्फ यही पर्सन सारी डीलिंग करी जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन भी तो इसके लेवल के साथ ही है ना उसके, तो उनसे भी फीडबैक लें कि अगर हमारे बिजनेस में कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो वो इंप्रूव करें, ठीक है, मतलब इन पर्सन से भी वो फीडबैक लें और बिजनेस को इंप्रूव किया जाए, मतलब सब पर्सन अपने अपनी फीडबैक्स को दें ताकि बिजनेस को हम इंप्रूव कर सकें, ठीक है। हमने कौन कौन से कर लिए, कॉपरेशन से साथ डील करें, सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, लाइक अ गुड पर्सन की तरह उनको एमरजेंसी में हेल्प करें दूसरे की, और रिसीव द फीडबैक। नेक्स्ट इज इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब है कि मतलब उनका ऐसा नहीं है कि आज वो पार्टनर बने और वो सिर्फ तीन चार साल वो बाद आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम उनकी मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग इन द सेंस लाइक मंथ में कर ली, टू मंथ में कर ली, थ्री मंथ में, मतलब आपस में अगर वो मिलेंगे तो कुछ ना कुछ डिसीजन उनका अच्छा ही होगा, ठीक है, तो इंट्रैक्शन इज मस्ट, ओके। नेक्स्ट है कंप्लाई विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हमने अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करना ही है, मैंने ऊपर बताया आपको, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो मतलब
इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं ना, जो भी बने हुए हैं उनको भी हमें फॉलो करना है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं, काफ़ी सारे बने होते हैं कि इस चीज़ को डिस्क्लोज करना है, इस चीज़ को नहीं डिस्क्लोज करना, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स को भी हमें फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डील। अब अभी मैं सेम वैसा ही है ये ऊपर हमने किया, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे तीन पार्टनर है तो तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए डील करने के लिए। कहाँ डील करने के लिए? बाहर। कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर के साथ डील करना है, सप्लायर के साथ डील करना है, तो सबके साथ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा काम दो ही पर्सन कर दे रहे, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है, तो वो थोड़ी इसके साथ पार्टनर बनना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि सबको इक्वल डील करना है। नेक्स्ट है उनके साथ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप उनको भी यहाँ पे ऐड कर सकती हो, ठीक है। मैंने मेन बेसिक पॉइंट्स करवा दिए हैं, इसके अलावा आप कुछ ऐड ना करना चाहते हो तो उसमें कर लेना। और ये हमारा हो गया कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं जो कॉम्पिटिटर और बिजनेस पार्टनर को ध्यान में रखने चाहिए। एथिक्स का मैंने मीनिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि एथिक्स मीन्स क्या सही है और क्या गलत है। ये बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है, क्या वैल्यूज़ हैं हमारी उनको देख के ही, मतलब क्या वैल्यूज़ के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये कॉम्पिटिटर के रिलेटेड हमें क्या सही है क्या गलत है हमने वो पढ़ लिया, और बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड क्या एथिक्स फॉलो करनी चाहिए हमने वो पढ़ लिया। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।